यहाँ पर खड़े रहते हैं अमरेशपुरी, तो आप लोग जो ये पीछे पहाड़ दिखा है इस पर मैचिंग कर सकते हो दोस्तों, और उसके बाद यहाँ पर आकर खड़े होते हैं। तो फिर बोलते हैं किसने शेर के जबड़े में हाथ डालने की कोशिश की। जी सरदार, बूढ़ा कितनी दूर पहुँच गया होगा? क्यों ठाकुर, इन्हें लाए थे रामगढ़ की रक्षा करने, गब्बर से टक्कर लेने? क्यों रामगढ़ के वासियों, झांक कर देखो अपने अपने घरों से, यही जियाले आए थे तुम्हें गब्बर सिंह से बचाने के लिए। कैसी हो दीदी? अरे भाई अहमद, हम तो ठीक हैं, लेकिन तुम ये बताओ, एक तो तुम 10 जमात पास भी हो, अंग्रेजी भी जानते हो, क्योंकि हमने आपसे तो बात नहीं की थी, लेकिन अगर हमसे ये पूछ ही लिया तो हम बता ही देते हैं, हमारा नाम बसंती है। पहली बार सुना ये नाम। आज मैंने कुछ सोचा है। कभी कभी ये काम भी करना चाहिए। आज मैंने एक बहुत बड़ा फैसला किया। मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे होते, आज मेरा बाप होता तो बैंड बाजे के साथ मेरी शादी करके लाता। हेलो माय फ्रेंड, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों आप लोग सभी? तो आई होप दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम मस्त और फर्स्ट क्लास ही होंगे। तो जानकारी के लिए सबसे पहले बता दूं कि दोस्तों मैंने आप लोगों को इससे पहले खन्नायक फिल्म की शूटिंग लोकेशन दिखाया था, आप लोगों के लिए फिर से हाजिर है एक और मूवी की शूटिंग लोकेशन के साथ। 13 जनवरी 1987 के दशक में एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म आई थी दोस्तों, जिस फिल्म का नाम है लोहा। तो हाँ जी दोस्तों, मैं आज इसी वीडियो में आप लोगों को लोहा फिल्म की शूटिंग लोकेशन के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। और जानकारी के लिए सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ कि दोस्तों जहाँ पर शोले फिल्म की शूटिंग हुई थी उसी जगह पर लोहा फिल्म की शूटिंग हुई थी। आप लोगों ने इस फिल्म का ये वाला गाना तो जरूर से जरूर ही सुना ही होगा। अगर दोस्तों आप लोगों को इस फिल्म के सुपरस्टार लोगों के बारे में बताएं तो दोस्तों इस मूवी में मुख्य हीरो का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे आप लोगों को धर्मिंदर, और दोस्तों आप लोगों को शत्रुघ्न सिन्हा भी नजर आते हुए देखने को मिलेंगे। तो चलो दोस्तों इनसे ही पूछ लेते हैं कि इस मूवी में इनका क्या नाम था। मेरा नाम कासम अली बरकत अली शमशेर बहादुर नवाब तोपची है। और दोस्तों आप लोगों को इस मूवी में करण कपूर भी नजर आते हुए देखने को मिलेंगे। अगर हीरोइन के बारे में बताएं तो दोस्तों हीरोइन का नाम था मंदाकिनी, जिन्होंने इस मूवी में हीरोइन का किरदार निभाए थे। इनका इस मूवी में नाम था सीमा। अगर आप लोगों को विलन के बारे में बताऊं तो दोस्तों विलन का नाम था अमरेश पुरी, जिन्होंने इस मूवी में डाकू सेरा का किरदार निभाते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। इस मूवी में कादर खान भी नजर आते हुए देखने को मिलेंगे, जिन्होंने इस मूवी में विलन का किरदार निभाते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। और दोस्तों इनका इस फिल्म में नाम था जगन्नाथ प्रसाद। आप लोगों को इस मूवी में राजा मुराद भी नजर आते हुए देखने को मिलेंगे, जिनका इस मूवी में नाम था दोस्तों दयाल। आप लोगों ने लोहा फिल्म का ये वाला सीन तो जरूर से जरूर ही देखे होंगे, जब अमरेशपुरी के आदमी लोग बस पर अटैक कर देते हैं तो उसके बाद बस में जो बैठे हुए लोग रहते हैं उनको बंधक बनाकर जिस जगह मैं खड़ा हूँ दोस्तों उसी जगह पर लेकर आते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जिस जगह खड़ा हूँ दोस्तों इस जगह के एड्रेस के बारे में बता दूँ। जिस जगह मैं खड़ा हूँ इस जगह का नाम है रामनगरा। इसी जगह को शोले फिल्म में रामगढ़ दिखाया गया था। और दोस्तों यहीं पर हमारी हिंदी फिल्मों की बहुत सारी शूटिंग हो चुकी है। आज इस वीडियो में आप लोगों को लोहा फिल्म की शूटिंग लोकेशन के बारे में जानकारी देने वाला हूं। जिस जगह मैं अभी जा रहा हूं इस जगह का नाम है रामनगरम, और आप लोगों को शोले फिल्म में इस जगह को रामगढ़ के नाम से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूँ, इसी जगह पर शोले फिल्म की पूरी फिल्म ही शूटिंग किया गया था, और मैंने आप लोगों को इससे पहले शूटिंग लोकेशन दिखाया था।
ये वाला वही जगह है जहां पर गब्बर सिंह आकर बोलते हैं, रामगढ़ के वासियों झांक कर देखो अपने अपने घरों से। ये था भाई साहब उस समय शोले फिल्म का रामगढ़ गांव, जो कि आज भी वैसा को वैसा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो मैं अभी इसी दर से ऐसा सीधा अंदर की तरफ जाऊंगा, तो मैं सोचा क्यों नहीं आप लोगों को एक बार और ताज़ी यादें करा दूं कि यहीं पर शोले फिल्म की शूटिंग हुई थी उस समय, और इसी जगह पर आकर गब्बर सिंह की दहाड़ सुनने को मिलेगी आप लोगों को शोले फिल्म में। और दोस्तों, जो आप लोगों को शोले फिल्म में मस्जिद देखने को मिलेगी ना, तो वो वाली मस्जिद इसी दर पर बनाया गया था। और ये वाला जो पत्थर है दोस्तों, आप लोग इस वाले पत्थर को आराम से मैचिंग कर सकते हो। आप लोगों ने शोले फिल्म का वो वाला भी सीन देखा होगा जब रेलवे स्टेशन से बसंती अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र को लेकर आती है ठाकुर साहब के घर की तरफ ना, तो वो वाला रोड यही था दोस्तों उस समय। और आप लोगों को बता दें, इस समय अभी इस रोड को बनाने का कार्य चल रहा है यहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा। जब बसंती टांगा लेकर जाती है ना, तो ये जो आप लोगों को फॉरेन डिपार्टमेंट के गेट लगा हुआ देखने को मिल रहा है ना, इसी गेट की तरफ से अंदर के लिए चली जाती हैं। तो जानकारी के लिए बता दें, 1975 में इस जगह पर कुछ नहीं था, और उस समय से इस समय तक बहुत ज़्यादा यहाँ पर बदलाव किया गया है। और आप लोग जब अंदर जाओगे तो दोस्तों, यहीं से अंदर जाने की एंट्री होगी। जब आप लोग इसके अंदर जाओगे ना, तो पहले आप लोगों को यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ देखने को मिलेगा, तो इसमें इसके अंदर जाने का टिकट प्राइस आप लोगों को देखने को मिलेगा। और दोस्तों, टिकट घर ये है, यहाँ से आप लोग टिकट लेकर अंदर भी जा सकते हो। मैं अभी अपनी टिकट ले लिया हूँ, ये जो आप लोगों को देखने को मिल रही है ना, ये मेरी टिकट है। इसमें देख सकते हो, मेरे को अभी अंदर जाने के लिए 25 रुपये पे करना पड़ा था, और मैं पे कर कर अंदर ही जा रहा हूँ। और मैंने आप लोगों को वो वाला शोले फिल्म का सीन भी दिखाया था जब बसंती तांगा लेकर जाती है ना ठाकुर साहब के घर की तरफ, तो उसमें एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई, मेरे को आप एकदम पूरा सेम टू सेम दिखाओ कि बसंती कैसे तांगा लेकर जाती है। तो उनके लिए बता दूँ कि सर, ये वाला वही रोड है जब बसंती धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन को बैठाकर ठाकुर साहब के घर की तरफ जाती हैं। तो देखो, मैं आपको इसकी भी नहीं करूंगा, सेम टू सेम पूरा दिखाने की कोशिश करूंगा। और इस रोड से ऐसा जाकर बसंती ऊपर की तरफ जाती हैं। तो दोस्तों, मैं अभी नीचे से ऊपर की तरफ आया हूं, और आप लोगों ने जब देखा ही होगा, जब बसंती तांगा लेकर आती है ना, तो इस जगह को शूटिंग के दौरान दिखाई दिया जाता है। यानी कि शोले फिल्म में वो था ठाकुर साहब का घर, और यहीं पर देखोगे ना आप लोग, गेट के जैसा एक बनाया गया था, और इसी जगह पर आकर बसंती रुक जाती हैं। जब बसंती आकर खड़ी होती है ना, तो आप लोग देखोगे बड़ा सा पत्थर का दीवाल के जैसा देखने को मिलेगा ना, तो वो वाला दीवाल यहीं पर बनाई गई थी। तो चल के दिखाता हूँ, इसमें ये पत्थर आज भी हैं। और दोस्तों, आप लोग ये वाला ऐसा जो बना हुआ है ना, इसको मैचिंग कर सकते हो, तो सेम टू सेम वैसा का वैसा आज भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चलता हूँ मैं अभी आप लोगों को नेक्स्ट लोकेशन दिखाने के लिए। तो यहीं पर भी शोले फिल्म का कुछ सीन शूटिंग किया गया था। तो एक बात तो ये मेरे को बहुत अच्छी लगी कि भाई साहब, यहाँ के लोग जो हैं, इस जगह को साफ सफाई किए हैं। आप लोगों ने वो वाला शोले फिल्म का सीन तो देखा ही होगा जब ठाकुर साहब के बेटे को गब्बर बंदूक से मारता है ना, तो ये वाला पत्थर को शूटिंग के दौरान दिखाई दिया जाता है। और उसके बाद वहां से ऐसा गब्बर आता है, यहां पर खड़ा होता है, तो ये वाला भी सीन आप लोगों को शूटिंग के दौरान देखने को मिलेगा। और दोस्तों, जब गब्बर सिंह नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं ना, तो वो इसी दर पर आते हैं, और इसी दर पर आकर खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो आप लोगों को नीचे देखने को मिल रहा है ना, इसी जगह पर शोले फिल्म में रामगढ़ गांव बनाया गया था 1975 में। और आप लोगों ने जो वो टैंक देखी थी जिसपे धर्मेंद्र दारू पीकर चढ़ते ना, तो वो वाला टैंक, वो जो वाइट वाला आप लोगों को कुछ मार्क जैसा दीवार दिख रहा है ना, वहीं पर शोले फिल्म में टैंक भी बनाया गया था। ये वाला वही पत्थर है जहाँ पर धर्मेंद्र बैठ कर बोलते हैं, जय मैंने आज एक फैसला किया हूँ।
तो बोलते हैं जय हाँ मैं जानता हूँ तेरा कौन सा फैसला है। तो फिर धर्मेंद्र बोलते हैं कि मैंने बसंती से शादी करने का फैसला किया। और उसके बाद दोस्तों जब चलकर यहाँ से ऐसे आते हैं धर्मेंद्र ना, तो ये वाला जो पत्थर आप लोगों को नीचे छोटे छोटे टुकड़े में पड़े हुए देखने को मिल रहे ना, ये वाला पत्थर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये जो दोस्तों आप लोगों को पीछे पहाड़ देखने को मिल रहे हैं ना, ये पहाड़ भी आप लोगों को देखने को जरूर से जरूर मिलेंगे। और दोस्तों ये रहा शोले फिल्म वाला ठाकुर साहब का घर का सीन, और इसी के नीचे बनाया गया था ठाकुर साहब का घर। जो ठाकुर साहब का घर दिखाई दिया जाता है फिल्म में, और उसके सामने देखना तो बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया जाता है। तो ये वाला पत्थर आज भी यहाँ पर मौजूद आप लोगों को देखने को मिलेगा। और आप लोग गौर से देखोगे ना, ये जो पत्थर ऐसा रख कर लाइन से बनाया गया है ना, ये वाला भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और उसके पीछे ठाकुर साहब का घर बनाया गया था, और आप लोग गौर से देखोगे ना, ये वाला पत्थर आप लोगों को जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। और चलो दिखाता हूँ आप लोगों को जहाँ पर था शोले फिल्म में ठाकुर साहब का घर। तो देखो ये जो अभी मैं जहाँ जा रहा हूँ ना, ये पूरा एरिया ही ठाकुर साहब के घर का ही था। इसको अभी मैं दूर से दिखाया हूँ आप लोगों को, वो वाला यही पहाड़ है, और इसके ही नीचे ठाकुर साहब का यहाँ पर घर बनाया गया था, और ये पहाड़ आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जो ये दोस्तों पीछे छोटा सा तालाब देखने को मिल रहा है ना, ये वाला तालाब भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। कहाँ पर लोहा फिल्म शूटिंग हुई थी उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों आप लोगों ने लोहा फिल्म का वो वाला सीन तो देखा ही होगा, जब धर्मेंद्र अमरेश पुरी के भाई को जब जख्मी कर देते हैं, तो उसके बाद अमरेश पुरी के भाई जो भागते हुए आते ना, इसी दर पर भागते हुए आते हैं घोड़े से। डाकू सेरा के भाई घोड़ा लेकर ऊपर की तरफ जाते हैं ना, ये वाला जो पत्थर है दोस्तों, ये वाला पत्थर आप लोगों को वीडियो के स्क्रीनशॉट में देखने को मिलेगा। और जो ये सीढ़ी है दोस्तों, ये भी सीढ़ी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी सीढ़ी की तरफ से ऊपर की तरफ जाते हैं घोड़ा लेकर। और आप लोग गौर से देखोगे ना, ये वाला जो बड़ा सा पत्थर है ना, ये दोनों पत्थर भी आप लोगों को वीडियो के स्क्रीनशॉट में देखने को मिलेगा। गौर से मैचिंग कर सकते हो भाई साहब, देखना ये जो पत्थर में मार्क लगा हुआ ना, आज भी आप लोगों को मार्क वैसा का वैसा देखने को मिलेगा। और इसके नीचे वाला भी पत्थर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जो ये सीढ़ी बनी है ना, उस समय भी ये सीढ़ी बनी हुई थी, और आज भी ये सीढ़ी आप लोगों को वैसा का वैसा देखने को मिलेगा। यहाँ पर पूरे खड़े रहते हैं अमरेशपुरी के आदमी, तो फिर कैमरा कुछ ऐसा एंगल करते हुए उस तरफ के लिए जाता है जहाँ पर अमरेशपुरी का अड्डा बनाया गया था। तो चलो आओ आप लोगों को वो लोकेशन दिखाता हूँ। अमरेशपुरी यानी डाकू सेरा के भाई को धर्मेंद्र मार देते हैं, तो फिर उसके बाद घोड़ा से भागते हुए इसी जगह पर आते हैं कहाँ पर खड़े रहते हैं अमरेशपुरी। तो आप लोग जो ये पीछे पहाड़ दिखा है इसको मैचिंग कर सकते हो दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पर आकर खड़े होते हैं, तो फिर बोलते हैं किसने शेर के जबड़े में हाथ डालने की कोशिश की, कौन है वो जो मेरे आदमियों को खून करके उनके खून की चाहों पर अपनी मौत की दस्तक कर रहा है। तो वो वाला सीन यहीं पर शूटिंग किया जाता है। और उसके बाद बोलते हैं कुंदन कैसे जख्मी हो गया, वो वाला सीन यहीं पर शूटिंग के दौरान आप लोगों को देखने को मिलेगा। और आप लोगों को बता दे, जो इसके पीछे आप लोगों को पेड़ देखने को मिल रहा है दोस्तों, ये उस समय पेड़ नहीं था, इसी जगह पर पिंजड़ा के जैसा बनाया गया था, और उसी पिंजड़े के अंदर लोगों को बंदी बनाए थे अमरेशपुरी। एक सीन यहाँ पर शूटिंग किया जाता है जब अमरेशपुरी यानी कि जब शेर सिंह अपने भाई को गोली मारते हैं ना, तो वो वाला सीन यहीं पर शूटिंग के दौरान दिखाई दिया जाता है। और फिर बोलते हैं कि शेर सिंह लंगड़े घोड़ों को और जख्मी साथियों को गोली मार दिया करता है, चाहे उसका भाई क्यों ना ही हो। तो वो वाला सीन यहाँ पर शूटिंग के दौरान देखने को आप लोगों को मिलेगा, जिसमें कि दोस्तों ये वाला पहाड़ आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग ये वाला पहाड़ को आराम से मैचिंग कर सकते हो वीडियो में। एक सीन यहाँ पर शूटिंग किया जाता है जब पिंजड़ा यहाँ पर बनाया जाता है, तो दोस्तों उसी पिंजड़े में आदमियों को कैद करे रहते हैं अमरेशपुरी। तो फिर यहाँ से ऐसे
आगे की तरफ चलकर आते हैं अमरेशपुरी। जब यहाँ पर अमरेशपुरी के आदमी खड़े रहते हैं तो दोस्तों अमरेशपुरी का आदमी का नाम रहता है भीमा, और फिर अमरेशपुरी यहाँ पर आगे आकर बोलते हैं, भीमा आज हमारे दिल में रहम की मौजें उठ रही हैं, मन करता है किसी आज एक ऊपर रहम करूं। तो फिर भीमा बोलते हैं कि मैं कुछ समझा नहीं। तो अमरेशपुरी बोलते हैं कि दिल करता है किसी एक कैदी को आज़ाद कर दूं। वो यहां से हंसता खेलता हुआ अपनी बीबी बच्चों के पास चला जाए। तो फिर भीमा बोलते हैं ऐसी गलती मत करना सरकार। तो फिर अमरेशपुरी बोलते हैं ये गलती तो मैं करूँगा। तो वो वाला सीन यहीं पर शूटिंग के दौरान दिखाई दिया जाता है। और आप लोग गौर से देखोगे ना, ये जो पीछे का पहाड़ी इलाका है दोस्तों, आप लोगों को ये पीछे वाला पहाड़ी इलाका भी आप लोगों को देखने को मिलेगा वीडियो में। जब यहीं पर पिंजड़े में कैद करे रहते हैं लोगों को, तो फिर अमरेशपुरी उन्हीं लोगों में से पूछते हैं कि तुम में से सबसे बूढ़ा कौन है। एक बूढ़ा व्यक्ति बोलते हैं कि सबसे बूढ़ा मैं हूँ। तो वो वाला सीन यहीं पर शूटिंग किया जाता है। फिर उसके बाद बूढ़े आदमी को वहां से निकाल कर यहाँ पर लाते हैं, और इसी जगह पर अमरेशपुरी कुर्सी लगाकर बैठते हैं। तो फिर दोस्तों यहाँ पर जो बूढ़ा आदमी रहता है, फिर उनको अमरेशपुरी भागने को बोलते हैं। तो फिर बूढ़ा आदमी भागते हुए कहाँ की तरफ जाता है, आओ दिखाते हैं आप लोगों को। इसी के नीचे से बूढ़ा भागते हुए चला जाता है बाहर की तरफ। और जब फिल्म शूटिंग हुई थी दोस्तों, उस समय पूरा ये प्लेन एरिया था, यानी कि उस समय यहाँ पर जंगल वंगल कुछ ज़्यादा नहीं थे। तो बाकी और सीन है, चलो दिखाते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों जब यहाँ पर अमरेशपुरी बोलते हैं भीमा बूढ़ा कितनी दूर पहुँच गया होगा, तो फिर भीमा बोलता है कि बूढ़ा तो कम से कम पौना मील पहुँच गया होगा। वो वाला सीन यहीं पर शूटिंग किया गया था। और आप लोग गौर से ये वाले पत्थर में जो ये दरार के जैसा पत्थर बना ना, इसको भी आराम से मैचिंग कर सकते हो दोस्तों वीडियो की स्क्रीनशॉट में। और आप लोग गौर से देखोगे इसके पीछे जो पहाड़ दिख रहा है ना, वो पहाड़ भी आप लोगों को वीडियो में देखने को मिलेगा। भीमा अमरेशपुरी को गन ला के देते हैं, तो उसके बाद यहाँ आगे की तरफ बूढ़ा भागता हुआ जाता है। फिर अमरेशपुरी गन से निशाना लगा कर जब मारते हैं ना बूढ़े पर, तो ये वाले पत्थर के सामने ही मारते हैं, जिसमें कि ये दोनों पत्थर आप लोगों को वीडियो की स्क्रीन शॉट में देखने को मिलेगा। यहाँ पर खड़े रहते हैं भीमा, तो भीमा बोलते हैं वाह सरदार क्या बेहतरीन निशाना है। तो दोस्तों आप लोग वो वाले सीन को भी आराम से मैचिंग कर सकते हो। मैंने अभी आप लोगों को शोले और लोहा फिल्म की शूटिंग लोकेशन दिखाया था, तो अभी मैं जिस जगह खड़ा हूँ दोस्तों, इस जगह को लोहा फिल्म में अमरेशपुरी यानी कि डाकू सेरा का अड्डा बनाया गया था। तो दोस्तों मैं अभी उसी अड्डे पर खड़ा हूँ जहाँ पर शोले फिल्म की शूटिंग हुई थी। उसी जगह पर बहुत सारी हमारी हिंदी फिल्मों की शूटिंग हुई थी, और मैं दोस्तों आया था लोहा ही फिल्म की शूटिंग करने के लिए, लेकिन मैं सोचा क्यों नहीं आप लोगों को शोले फिल्म की कुछ लोकेशन दिखाकर उसके बाद आप लोगों को लोहा फिल्म की शूटिंग लोकेशन दिखाया जाए। उम्मीद करता हूं दोस्तों जो आप लोगों को मैंने इन दो फिल्मों की शूटिंग लोकेशन दिखाया हूं, बेहद ही आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होंगी। ये वाली वीडियो पसंद आए तो प्लीज यार अपने छोटे से भाई के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना यार। तो चलो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह किसी नई वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।